हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर थ्री क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पुरातत्वविद जिसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था वो कौन है। तो जानते रहिए कि जो प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो शब्द का प्रयोग किया था, वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की है। तो जानते रहिएगा जो मोहन जोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वो है कांसा धातु की। तो कांसा देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की थी। तो जानते रहिए जो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ग्रामीण देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया वो कौन सा है। तो जानते रहिएगा वह स्थान जहाँ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था वो है पावापुरी। तो पावापुरी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, पावा आ गया है, तो जानते रहिए पावा कहें या पावापुरी कहें बात देखिए, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे हम आ जाएंगे टेन नंबर पे, जो भी क्वेश्चन कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए टेन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो जानते रहिए जो तुजुक ए बाबरी ये जो बुक्स है ये लिखा गया है, जानते रहिएगा तुर्की भाषा में। तुर्की देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर की कौन सी अंतिम विजय थी। तो जानते रहिएगा अकबर की जो अंतिम विजय थी वो थी असीरगढ़ की। असीरगढ़ देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विदेशी आक्रांता जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है वह कौन है। तो जानते रहिएगा वह विदेशी आक्रांता का मतलब आक्रमणकारी जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है वह है नादिर शाह। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो जानते रहिएगा 1857 का जो विद्रोह है उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद देखेंगे कहाँ आया है, देखिए आया है देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जानते रहिएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस काल में हुआ। तो जानते रहिएगा जो वैष्णव धर्म है इसका सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुस्मृत की रचना कब हुई। तो जानते रहिएगा मनुस्मृत की रचना हुई थी शुंग काल में। तो शुंग काल देखेंगे कहां आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए सी में है शुंग काल, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में था। तो जानते रहिएगा आयुर्वेद के जो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम चरक है, जानते रहिएगा वो थे कनिष्क के दरबार में। तो कनिष्क देखेंगे कहां आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए डी में आया है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी यात्री फाहयान किसके राज दरबार में आया था। तो जानते रहिएगा चीनी यात्री जो फाहयान था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय देखिए कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो जानते रहिएगा जो राष्ट्रकूट वंश था जानते रहिएगा उसका संस्थापक जो थे वो थे दंतिदुर्ग। तो दंतिदुर्ग देखेंगे कहां आया है, देखिए आया है अब देखिए ऑप्शन नंबर ई में है दंतिदुर्ग, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन किसके समय में भारत आया था। तो जानते रहिएगा जो साइमन कमीशन था वो आया था लॉर्ड इरविन के समय में। तो लॉर्ड इरविन देखेंगे कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था। तो जानते रहिएगा जो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ वो हुआ था लंदन में। तो लंदन देखिए कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा जो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था जानते रहिएगा 12 नवंबर 1930 से, जानते रहिएगा 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक हुआ था, जानते रहिएगा। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो जानते रहिएगा जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 देखिए कहाँ आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर देखिए सी में है 5 मार्च 1931, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो जानते रहिएगा जो आर्य समाज है उसके जो संस्थापक थे वो है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती देखें कहाँ आए हैं, देखिए आए हैं ऑप्शन में, देखिए ए में है दयानंद सरस्वती, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था? तो जानते रहिएगा वेदों की ओर वापस चलो का जो नारा दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने ही। तो देखेंगे दयानंद सरस्वती जी देखिए कहाँ है, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो जानते रहिएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। तो 12 जनवरी 1863 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जानते रहिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो 28 दिसंबर 1885 देखिए कहाँ आया है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो जानते रहिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। तो मुंबई देखिए कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर थ्री सी में है बंबई, तो बंबई जो है पहले बंबई कहते थे अब मुंबई कहते हैं बाद, देखिए इसलिए सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो जानते रहिएगा जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसे चलाया गया था 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में आया है 1930 आया है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? तो जानते रहिएगा यह जो कथन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना जो है वो राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन है अबुल कलाम आज़ाद जी का। तो अबुल कलाम आज़ाद कहाँ आए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट बेटन योजना किससे संबंधित है? तो जानते रहिएगा जो माउंट बेटन जो योजना है वो संबंधित है भारत पाकिस्तान के बंटवारे से। तो भारत पाकिस्तान बंटवारा देखें कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है भारत पाक बंटवारे से, तो हम डी नंबर को क्लिक करें। सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे जो भी हमने 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चैलेंज कितने रखते हैं, थैंक यू।